शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज इन शहीदों से प्रेरणा लेने के लिए जहां इस जगह पर मौजूद हूं मैं, यहां हजारों की तादाद में लोग रोज आते हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूं वो किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है। मैं हूं जलियांवाला बाग। आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार अब हम क्या बात करने वाले हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। महज म्यूरल आर्ट नहीं है, दरअसल म्यूरल आर्ट के पीछे भी एक भाव है। ये बच्चा खुश है। बैसाखी का वक्त था, 13 अप्रैल 1919। सोचिए जरा इस बच्चे के जहन में कितनी खुशी रही होगी। वो जो कहते हैं ना, हाथों में गांव में जो फिरकी लेके और जो हवा से चलती है, ये वो फिरकी दिखाई गई है। अपने पिताजी के साथ में कुछ साथी लोग हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, कुल मिला के जो अमृतसर के स्थानीय लोग थे वो जुट रहे थे, वो जा रहे थे। ये पूरी की पूरी इस रास्ते में ये पूरा दिखाया गया है किस तरीके से बुजुर्ग भी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई धर्म अलग नहीं है, धर्म का कोई भेद नहीं है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, नवयुवती भी हैं, हर कोई जा रहा था जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन ये नहीं पता था कि नियत ने क्या तय कर रखा है। शाम का वक्त हो रहा था और जैसे ही जलियांवाला बाग में सभा शुरू होती है और जनरल ओडायर को पता चलता है, वो अपने 90 पुलिस कर्मियों के साथ आ जाता है। ये रास्ता तंग है, हो सकता है कि आपको ये कोई गलियारा नजर आ रहा हो, आपको ये कोई बीथिका यानी गैलरी नजर आ रही हो जहाँ पे दोनों तरफ आप म्यूरल आर्ट देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही एकमात्र रास्ता था जलियांवाला बाग में जाने के लिए, और इसी एकमात्र रास्ते से ही हजारों की तादाद में, 15 से 20 हजार की तादाद बताई जाती है कि इस जो सभा हो रही थी 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन, वहां 15 से 20 हजार लोग मौजूद थे। और इसी रास्ते को फिर बाद में जनरल ओडायर ने ब्लॉक कर दिया, यानी कि यहां से गाड़ियां उसके बाहर छोड़ी और लगभग 90 पुलिसकर्मी यहां पर अंदर पहुंचते हैं और वो गोली चलाने का आदेश दे देता है। और यहां पर जो ऑफिशियल फिगर अंग्रेजों ने दी उनके मुताबिक 350 थी, 340, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक ये फिगर लगभग 1500 थी। आप सोचिए तो सही, क्या कुछ बीत रही होगी बच्चों पर, क्या कुछ बीत रही होगी अपने सामने अपनों को मरता हुआ देखने पर। जरा सोच के देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे तमाम स्थितियों और परिस्थितियों से हमारा देश गुजरा है, हमारे लोग गुजरे, तब जाके हमें आज़ादी मिली। और जब हम आज़ादी की बात करते तो ये महज कोई पिकनिक स्थान नहीं है कि लोग आएँ और यहाँ पर सेल्फी खिंचाएँ और चले जाएँ, बल्कि ये एक ऐसा पवित्र और पूजनीय स्थान है कि लोग उस भाव को समझें कि आखिरकार कैसे हमारे देश के शहीदों ने शहादत दी। ये है जलियांवाला बाग। तेरह अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग जो है गोल्डन टेंपल के पास है, और वहां पर उस दिन दोपहर के टाइम के ऊपर एक मीटिंग चल रही थी जहाँ पर 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे, और ये मीटिंग उस समय ब्रिटिश सरकार के विरोध में चल रही थी। उसी समय ये बैसाखी का भी दिन था जैसा आपने बताया, तो कुछ लोग वहाँ पर गोल्डन टेंपल से पास में वहाँ भी आए हुए थे। जनरल डायर आते हैं, उनके पास एक सेना की टुकड़ी है, दो आर्मर्ड कार थी जो उस रास्ते से अंदर नहीं जा सकी। जब वो पहुँचा वहाँ पर, उसने पहुंचने के इमीडिएटली बाद जब उसने देखा कि लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो उसने के जैसा कोई वार्निंग दिए बिना अपने सोल्जर्स को कहा, अपने सिपाहियों को कहा कि आप फायरिंग शुरू करिए, और फायरिंग भी ऐसी जगह पे करिए जहां पे मैक्सिमम क्राउड है।
तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एकदम जो कत्लेआम हुआ वहाँ पर, उसके अंदर जैसा कहा जाता है कि 389 लोग मरे थे और 1200 से ज़्यादा हुई थी, परंतु ये रिपोर्ट जो थी सरकारी रिपोर्ट थी, लॉर्ड हंटर की रिपोर्ट थी। एक्चुअली इसके अगर हम जो दूसरे सोर्सेज से हम देखते हैं तो नंबर कैजुअल्टीज़ का बहुत अधिक था। इस घटना का आलोचना हिंदुस्तान में भी हुई, बाहर भी हुई। आप ये देखिएगा कि विंस्टन चर्चिल जो बाद में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया उस समय। वैसे तो 13 अप्रैल को बैसाखी का फेस्टिवल रहता है, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को ना यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, और एक हमारे दो लीडर थे डॉक्टर सैफुद्दीन जी किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी, उनको भी शहर से बाहर डिपोर्ट करा गया था, एक तो उनके बारे में जानने के लिए और एक रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट का तो हम सभी को पता कि काला कानून जिसको कहते हैं, ना कोई दलील ना कोई अपील, बिना किसी कारण किसी को भी पकड़ा और जेल के अंदर डाल दिया। तो जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा जी, तो शाम को जब उसको मीटिंग का पता चल गया, तकरीबन 15,000 से 20,000 के करीब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो आने जाने का एक ही रास्ता हुआ करता था, सामने की ओर आप देखोगे तो तंग रास्ता, तो वो जनरल डायर अपने 90 सिपाहियों के साथ अंदर आ घुसा। दो गाड़ियाँ भी थी जिसमें गन्स मशीन्स गन लगी थी, रास्ता तंग होने की वजह से गाड़ियाँ तो अंदर आ नहीं पाई, लेकिन उसके सिपाही अंदर आ गए। बगैर कोई चेतावनी दिए उसने अपने सिपाहियों को यही ऑर्डर करा, आदेश दिया कि गोलाबारी शुरू करो। पूरे 10 मिनट तक गोलाबारी होती रही थी और 1650 राउंड गोली चली थी। अंग्रेज़ों के मुताबिक इसमें सिर्फ 379 लोग शहीद हो गए थे, इंक्लूडिंग माई ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे परदादा जी भी उस हत्याकांड में शहीद हो गए थे, 35 साल के थे। लेकिन वैसे 1500 से ज़्यादा लोगों के शहीद होने का अनुमान लगाया जाता है। अभी आप बाईं साइड मेरी बाईं ओर देखोगे कि वेल भी आएगा, कुआं भी आएगा, ग्राउंड लेवल पे था। ग्राउंड लेवल माने जमीन की सतह के बराबर और पानी भरा था। गोलीबारी से बचने के लिए लोगों ने उसमें जम कर कूद गए। बंदे के मन में रहते हैं ना, शायद मैं बाद में बाहर वापस आ जाऊँ, लेकिन एक के ऊपर एक कूदता गया, 120 लोगों ने जम करी तो 120 की ही लाशें उसमें से निकाली गई, कोई भी जिंदा नहीं बचा। और जो सामने आप देख रहे हो स्मारक मॉन्यूमेंट, इसको कहते हैं जी फ्लेम ऑफ लिबर्टी। इसको 1961 में स्थापित करा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने। शहीदों को श्रद्धांजलि हम यहीं पर देते हैं। फ्लेम ऑफ लिबर्टी इसका नाम है और फ्लेम की तरह इसको डिज़ाइन करा गया है, आप देखोगे तो। इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून जी भी आए थे, घुटनों के बल झुके थे और विस्टर बुक पे कमेंट भी करके गए थे, इट वॉज़ वेरी शेमफुल इवेंट, कि ये काफ़ी शर्मनायक घटना थी। जो हमारे पीछे आप निशान देख रहे हैं यहाँ पर, इस ये निशान गवाही देते हैं जनरल ओडायर की क्रूरता की। वो इसलिए भी क्योंकि इन दीवारों पे बाकायदा ये वाइट स्क्वायर में जो निशान बनाए गए हैं, ये निशान गोलियों के निशान हैं। 303 की राइफल, जैसा कि हमें इतिहास से पता चलता है, 303 की राइफल जो है वो चल रही थी ज़बरदस्त तरीके से, और लगभग 15,000 से 20,000 की भीड़ जो कि इस पूरे के पूरे जलियांवाला बाग में मौजूद थी, लोग बचने के लिए भाग रहे थे इधर उधर, लेकिन चूंकि 303 की गोली थी तो बताते हैं कि अगर वो आपके सीने पे लगती है और सीने के पार भी निकल जाती है तो हो सकता है कई लोगों को भेद करके ये गोली यहाँ पर लगी हो रखी, तो ये यहाँ पे मार्क्स लगे थे। हमारे साथ में दीपक जी मौजूद हैं, हम दीपक जी से जानना चाहेंगे। दीपक जी, ये तो मकान काफ़ी पुराने हैं, हालांकि हमें ये मालूम चला है कि इन मकानों की जो है वो रिनोवेशन होती रहती है, तो जरा हमें बताएं इस मकान के बारे में कि यहाँ पे ये जो गोलियाँ हैं किस तरीके और कहाँ कहाँ निशान लगे हुए हैं, उसके बारे में बताएं। ये ना उस समय प्राइवेट बिल्डिंग हुआ करती थी, तो जैसा कि आपको बताया कि गेट से ही गोलाबारी शुरू करवाई थी जनरल डायर ने, तो ये एम्प्टी प्लॉट था और कुआं भी ग्राउंड लेवल पे था, और जैसा कि आपने बताया और हमने भी बताया कि 303 की राइफल थी, तो गोली आसानी से अंदर आ गई। जहाँ पे हिट हुई, हो सकता है कि मिस भी हो गई हो, और हो भी सकता है बंदे को जहाँ हिट हुई हो चेस्ट में हिट हुई हो पीठ पीछे निकल के वॉल्स के ऊपर देखिए आप लग गई है गोली। तो दीवार तो नियर अबाउट 103 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इसकी ना समय समय पर मुरम्मत करते रहते हैं, रेनोवेशन करते हैं, सीमेंट में वही कलर मिला के इसकी रिपेयर करते रहते हैं, और इंडिकेट ये जो मार्क है वाइट स्केयर है, ये इंडिकेट करते हैं कि गोली यहाँ पर मार्क हिट हुई थी।
तो बुलेट मार्क्स जो हैं जरूरी नहीं कि इस दीवार पे हैं, आप मेरी बाईं ओर देखोगे मतलब चारों तरफ गोलाबारी हुई थी, मतलब उधर भी आपको बुलेट मार्क्स मिलेंगे, इधर 28 गोलियों के निशान मिलेंगे, वो सामने वॉल के ऊपर भी 28 मिलेंगे, मतलब काफ़ी गोलाबारी अंधाधुंध तरीके से हुई थी। मतलब कह सकते हैं कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, निहत्ते लोगों पर गोलियां चलवाई गई और किस तरीके से लोग मजबूर हो गए आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए जब इस स्थान पर हम आए हैं, न जाने कितने एहसासों से मैं इस वक्त रूबरू हो रहा हूँ, तमाम इतिहास का वो कालखंड मेरे जहन में मेरे मन मस्तिष्क में एक बार फिर से घूम रहा है और मैं उस दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है शायद आप भी उस दर्द को महसूस करेंगे जब छोटा सा बच्चा अपने पिता को मरते हुए देख रहा होगा, अपने सगे संबंधियों को मरते हुए देख रहा होगा। ब्रिटिश सरकार ने सोचा था उस समय, या जनरल डायर ने ये सोचा था कि ये जो विरोध है इस विरोध को दबा दिया जाए। एक तरीके से वो ब्रिटिश राज्य की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु इतिहास ने इसके विरुद्ध कार्य किया। ये एक वो इंसिडेंट बना जिसने ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को और हिला दिया। न जाने कितने शहीदों के अमर वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, न जाने कितनी यादों से ये पूरा का पूरा स्थान लगातार संजोया गया है। हम आपको बता दें कि जलियांवाला बाग महज एक जलियांवाला बाग नहीं है, बल्कि न जाने कितनी घटनाओं का ये साक्षी है। कुछ और बातें हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। जलियां वाले बाग दा साका सुनिया कह न जावे, जलियां वाले बाग दा साका सुनिया कह न जावे, सौ वरिया तो जख्म ने अड्डे रह रह दर्द सतावे, जलियां वाले बाग दा साका सुनिया कह न जावे। अजे तीक ने गूंज दिया ओ चीकां ओ कुरलाटां, मेला वेखण आए गए ना पिंड पिया वेखे वाटां, मेला वेखण घर ना आए पिंड पिया वेखे वाटां, ऐसा मौत दा तांडव होया ऐसा मौत ने तांडव किया कोई बच ना पाए, सोवरिया तो जख्म ने अले रह रह दर्द सताए। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम, डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर नए कलेवर नई धार और नई रफ्तार के साथ। देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। दरअसल इतिहास के बारे में पढ़ने से ज्यादा अच्छा है इतिहास को